Hello guys, today we will do the lesson in the flood. In the flood, worksheet 13th. Okay, the first जड़ा है साड़ी कुल listening skill है ते उधर भी साड़ी कुल ऐसी खाली थमा पर नहीं आने. The night was terrible with night बहुत डरावनी सी रात बहुत डरावनी सी because क्योंकि कहंदे की हो रहा सीगा with मैंने नाल तब बारिश दे नाल बारिश हो रही सी अते की सी स्टॉर्म आ रहा सी तूफान आ रहा सी. सेकंड है द रूफ स्टार्टेड मूविंग इन द वेव्स ता जदों लहरां आ गईं वेव्स की हुंदियां लहरां ता लहरां आ गईं ता रूफ मैंने छत छत की करन लग गई हिलन लग गई. सही है कि गलत है ता इट इज़ ट्रू सही गल है जदों लहरां आ गईं पानी दियां ता छत हिलन लग गई ट्रू. थर्ड द डॉग ऑलमोस्ट फैल ऑफ द रूफ टॉप डैश तो जरा कुत्ता सीगा डॉग से वो छत के उत्ते चढ़ गया से डिगदा डिगदा किन्ने बार जड़ा डिगनी वाला सी किन्ने बार डिगन वाला सी ट्वाइस दो बार. चौथा द डॉग स्टार्टड बाकिंग इन ग्रेट कुत्ते ने भौंकना स्टार्ट किया डॉग ने बहुत ज़्यादा ग्रेट डर नाल फीयर आएगा अच्छे फीयर मैंने डर ये फीयर मैंने तो मेला आ चुका ना या टिकट. फिफ्थ है देर वॉज ऑलसो द साउंड ऑफ डैश व्हीलिंग टूगेदर फ्रॉम सम वेयर नियर बाय तो कहते उत्थे किसी फाउल्स की आवाज़ आ रही सी फाउल्स व्हीलिंग टूगेदर. ठीक है सैकेंड पार्ट दे विच लिसनिंग दे विच मैन इज़ द मेकर ऑफ इज ऑन बंदा अपनी किस्मत का आप निर्माता है तो डेस्टनी आएगा डेस्टनी किस्मत. सैकेंड है टू किल टाइम इज़ एज पुनिशेबल एज टू कमिट डैश तो टाइम नू मारना इस तरह जिमें अपने आप की हत्या करनी सुइसाइड करना. थर्ड यूथ इज़ द डैश सीजन ऑफ लाइफ तो जवानी जिहड़ा हुंदा जिंदगी दा सुनहरी मौसम हुंदा सुनहरी दौर हुंदा गोल्डन. चौथा लाइफ इज़ नथिंग बट द सम टोटल ऑफ आवर्स डेज एंड ईयर्स कहिंदे जिहड़ी जिंदगी होर कुछ नहीं एह कदा टोटल है कदा जोड़ है घंटियां दा दिनों का अते सालों का. सही है ना ट्रू. पंजवा इन यूथ माइंड इज जवानी के टाइम दिमाग जिहड़ा हुंदा वो की हुंदा सॉफ्ट जिहा हुंदा गा सॉफ्ट नरम. नैक्सट स्पीकिंग स्किल दे विच फर्स्ट पार्ट है साडे कोल स्पीक करांगे असी आपां नूं दित्ता होया सेविंग वाटर ते पानी नूं बचाओ तो असी हिट लिखी जिहड़े सानूं हिंट्स दित्ते होए आ वाले हिंटां नूं लै के आपां बोलना जिवें कि ईजी वेज टू सेव वाटर पानी बचाउण दे सौखे ढंग की है. वी शुड असी हुण आपां पानी नूं बचाउणा तां सानूं इहीं कहना पएगा कि सानूं इह करना चाहीदा है इह करना चाहीदा है तां इस नूं इंग्लिश च कहिंदे ने वी शुड. ठीक है वी मैंने सानूं शुड मैंने चाहीदा है तां सानूं वी शुड यूज़ बकेट वाइल वॉकिंग जदों नहाउणा है तां बकेट दा इस्तेमाल करना चाहीदा है पानी दी बाल्टी दा इस्तेमाल करना चाहीदा ना कि नल छड्डना चाहीदा ते पानी वेस्ट ज़्यादा जांदा है. सैकेंड वी शुड डू रेन हारवेस्टिंग तो सानू बरखा वाली जी हारवेस्टिंग फसलों जीडिया उन्होंने बीजनिया चाहिए ने रीयू वी शुड रीयूज इतने फिर आप कहे सूँ करना चाहिए दोबारा वरतों करनी चाहिए पानी की. अगला वी शुड टर्न ऑफ द रनिंग टैप सानू जो पानी की टैप चल रही हो टूटी चल रही नल चल रहा हो बंद कर देना चाहिए. वी शुड लिमिटेड यूज वी शुड यूज लिमिटेड वाटर. नाउ इट इज़ द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रीड द पैसेज पैसेज नू रीड करना और उन्होंने क्वेश्चन के आंसर देने ने तुम पहला इस सारे पैसेज नू रीड कर लियो तो उस तो बाद फर्स्ट क्वेश्चन है द पंचतंत्रा इज़ द कलैक्शन ऑफ पंचतंत्रा इकट्ठ है कदा फेबल्स आ फेबल की होंगे जिदे कैरैक्टर जोड़े होंगे पशु होंगे ने. ठीक है पशुओं से जोड़े है कैरैक्टर होंगे तो वह कहानियां होंगे ने जिद कोई उपदेश दिता जाता है. How many sons did King Amar Shakti have according to the given passage? Given passage दे विच जिहड़ा अमर शक्ति सानू राजा दिता गया तो उहदे किन्ने पुत्र सी तो इहदे विच दिता होया देखो पैसेज थ्री सनस. ठीक है थ्री आएगा सी. विष्णु शर्मा डिडंट टीच द प्रिंसेस विद तो उन्हें अपनी कुड़ी नू किस चीज़ नाल नहीं सिखाया कन्वेंशनल टूल्स टेक्निक्स ऑफ टीचिंग नाल जिहड़ियां चल रही सीगियां तो उन्होंने टेक्निक्स नाल नहीं सिखाया सगों कहानियां दे राही वालियां फेबल्स दे राही उन्होंने सिखाया प्रिंसेस अपने राजकुमारा नू. ठीक है सॉरी राजे राजकुमार होंदे प्रिंसेस
विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वॉल्यूम ऑफ द पंचतंत्र। हेठ लिखा जो वॉल्यूम केड़ी नहीं है, देखो सानू फाइव वॉल्यूम्स दिती हुई हैं पंचतंत्र दियाँ, इन्हों दे विचों आ सारियाँ हैगियाँ ने, बट जिहड़ी रामायण एपिका महाकाव्य ए जिहड़ा गा नहीं आवे। फिफ्थ है द कलैक्शन ऑफ स्टोरीज इन पंचतंत्र अबाउट द रूल्स एंड स्ट्रैटजीज ऑफ वॉर एंड पीस इज कॉल्ड। तां जिहदे विच युद्ध अते शांति दियाँ जिहड़ी हैगियाँ तकनीकां दसियां होन, रूल्स दसे हुंदे ने, तां ओह जिहड़ी कलैक्शन हुंदी है कहानियां दी उहनूं की कहिंदे ने, ओह किहड़े वॉल्यूम च आ जांदा, काकोलुकियम। ठीक है, इट इज़ द टर्न ऑफ राइटिंग स्किल। हुण असीं राइट करांगे पैराग्राफ ऑन हैवी रेनफॉल। ठीक है, हैवी रेनफॉल बारे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, उहदे ते आपां पैराग्राफ लिखांगे। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਔਨ ਜੁਲਾਈ 26 ਡੈਸ਼, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਆ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਫਿਰ ਹੋਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਟ ਵਾਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਲੀ ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਵੀਲੀ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਬਾਰਿਸ਼। ਆਈ ਡੈਸ਼ ਆਈ ਟੁੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਦ ਵਾਟਰ ਸਟਾਰਟਡ ਐਂਟਰਿੰਗ ਦ ਸ਼ੋਪਸ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਏਰੀਆ ਸਭ ਮਰਜ, ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਰਜ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਸਕੀ ਫੋਰ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸਕੀ ਸੀ। ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਹੈਲ, ਨਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਟਾਰਟਡ ਹੈਲਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵਲੰਟੀਅਰਸ। ਆਈ ਕੈਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਦੈਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੈਟ ਡੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਆਨਸਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਵਨ ਵਰਡ ਔਰ ਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੂ ਐਂਡ ਵਿਦ ਚੈਨਾ, ਚੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੈਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਗਈ ਸੀ, ਹਿਜ਼ ਫੋਰ ਚਿਲਡਰਨ, ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਂਟ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੂ ਵਰ ਦਾ ਟੂ ਮੈਨ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਥੀਵਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੋਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਦ ਟੂ ਮੈਨ ਵਰ ਥੀਵਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਡ ਐਨੀਵਨ ਹੈਲਪ ਦਾ ਡੋਗ, ਇਕੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੋਗ ਦੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਓ ਲੌਂਗ ਵਾਜ਼ ਦ ਡੋਗ ਅਲੋਨ ਇਨ ਦਾ ਹੱਟ, ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਡੋਗ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਡੋਗ ਟੂ ਨਾਈਟਸ ਐਂਡ ਟੂ ਡੇਜ਼, ਟੂ ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਟੂ ਨਾਈਟਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਜ਼ ਚੈਨਾ ਚੈਨਾ ਅਨਕਾਈਂਡ ਟੂ ਹਿਸ ਡੋਗ, ਡੋਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਨਕਾਈਂਡ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਦਿਆਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਯੈਸ ਇਕੱਲਾ ਯੈਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਅਨਕਾਈਂਡ ਟੂ ਦ ਡੋਗ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ।